कहानी चतुर खरगोश। कुंभज वन में एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश भोजन की तलाश में घर से दूर निकल गया। दोपहर को अचानक बिजली चमकी और तूफानी बरसात शुरू हो गई। सारे जीव जंतु डरकर अपने अपने घरों की ओर दौड़ने लगे। खरगोश भी किसी तरह अपने बिल के पास पहुंचा। उसने देखा कि जिस बिल में वह रहता है उसके मुंह पर आम का पेड़ गिरा है। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वह आम के पेड़ को नहीं हटा पाया। एक बैल वहां से गुजर रहा था। खरगोश ने बैल से पेड़ हटाने की मदद मांगी। बैल बोला, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे पहुंचने में देर हुई तो वे घबरा जाएंगे। यह कहते हुए बैल वहां से चल दिया। इसी तरह उसने कई जानवरों से सहायता मांगी लेकिन तूफान के कारण किसी ने उसकी सहायता नहीं की। खरगोश ने सोचा कि अब बुद्धि से काम लेना होगा। उसी समय एक हाथी वहां आया। खरगोश ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर इस तरह डरकर क्यों भाग रहे हो? हाथी बोला, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो बस अपने घर चाह रहा हूँ। खरगोश ने फिर कहा, बातें बनाना छोड़िए गजराज, यदि आप सचमुच शक्तिशाली है तो इस आम के पेड़ को हिलाकर दिखाइए। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उठाकर उस पेड़ को फेंक दिया। खरगोश ने कहा, मुझे विश्वास हो गया है कि आप सचमुच शक्तिशाली हैं। हाथी गर्व से अपने रास्ते चल पड़ा और खरगोश अपने बिल में घुस गया। कहानी से सीख, बुद्धि से कोई भी कार्य किया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।